ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಹೌದು, ಇಂತಹದೊಂದು ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ದಾಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈಗ ಯುವತಿಯರು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ FIR ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು, ಯಾವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR भरतपुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था. उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस. उसके लिए मैं चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे. उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की. तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है. तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया. थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए. उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला. फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा. तब तक दो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया. मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए. फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे. और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी. उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है. उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया. फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा बड़ा उतार के